कि बहुत सारा पैसा एफडीआई के नाम पर हिंदुस्तान में आता है जो कि इन टैक्स हेवन देशों से आता है, मॉरिशस से आता है, वर्जिन आइलैंड से आता है, स्विट्जरलैंड से आता है और तरह तरह के टैक्स हेवन देश बन गए हैं दुनिया में, जहां पर बैंकों में किसका पैसा है इसकी कोई सूचना किसी को नहीं दी जाती, किस कंपनी में किसका पैसा लगा है उसकी कोई सूचना नहीं दी जाती। उन देशों की कंपनियां हिंदुस्तान में लाखों करोड़ रुपया निवेश करती हैं और ये किसी को पता नहीं लगता कि वो रुपया किसका है। मैंने मोदी जी को यह भी चिट्ठी लिखी कि देखिए, इसका दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। दो चिट्ठियां लिखी मैंने जुलाई के महीने में, जुलाई 2014, जिसकी प्रति भी मेरे पास है। मैंने उनको लिखा कि मुकेश अंबानी ने 6530 करोड़ रुपया एक सिंगापुर की कंपनी जिसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई उसका काम धंधा नहीं था, जिसका टोटल शेयर कैपिटल $100 था, उस कंपनी के जरिए 6,500 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी की चार कंपनियों में आता है। इसको एफडीआई कहते हैं। हिंदुस्तान के हाई कमीशन ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि ये देखिए, ये सबसे बड़ा एफडीआई सिंगापुर से हिंदुस्तान भेजा गया है और ऐसी कंपनी के जरिए भेजा गया है जिसका कोई काम धंधा नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये काले धन को सफेद करके किसी ने भेजा है, इसकी जांच कराइए। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई जांच नहीं कराई गई। मेरे पास जब दस्तावेज आए तो मोदी जी प्रधानमंत्री तभी तभी बने थे। मैंने उनको चिट्ठी लिखी, सब दस्तावेज भेजे कि देखिए, ये 6,500 करोड़ रुपया रिलायंस कंपनी के ओवर इन्वॉइसिंग करके हिंदुस्तान से निकाला गया है और उसको बाहर सफेद करके सिंगापुर की एक बोगस कंपनी के द्वारा यहीं मुकेश अंबानी की चार कंपनियों में उसका निवेश किया गया है, इसको पकड़िए। कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने बोला पार्टिसिपेटरी नोट्स बंद करिए, कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने बोला एफडीआई के नाम पर जो इन टैक्स हेवन के देशों से लाखों करोड़ रुपया काले धन को सफेद करके लाया जा रहा है, कम से कम इनको बात करिए, बताएं कि किसका पैसा है, कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने एक और चिट्ठी लिखी जुलाई के महीने में अनिल अंबानी की कंपनियों के बारे में कि उस जैसे मुकेश अंबानी का 6,500 करोड़ रुपया आया, उसी तरह से अनिल अंबानी का $750 मिलियन यानी कि करीब 4,000 करोड़, 4,000 से ज्यादा 4,500 करोड़ रुपया उनकी कंपनियों में भी ऐसे सिंगापुर की एक बोगस कंपनी के द्वारा आया। और उसके ठोस दस्तावेज मैंने इस चिट्ठी में उनको भेजे जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दस्तावेज थे। मैंने बोला इनको तो पकड़िए, कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। उल्टा मुकेश अंबानी की जियो कंपनी का चेहरा मोदी जी बन जाते हैं और अनिल अंबानी जिसकी कंपनियां हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों को 1,00,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति ले चुकी हैं और वापस नहीं कर रही, उसी अनिल अंबानी की एक बोगस कंपनी जो एक साल पहले खोली है उसको रफेल हवाई जहाज सौदे में 58,000 करोड़ का सौदा किया गया, हवाई जहाज के दाम दुगने से ज्यादा करके, और उसमें अनिल अंबानी की कंपनी को उसका आधा कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी की इस बोगस एक साल पुरानी कंपनी जिसका कोई डिफेंस का एक्सपीरियंस नहीं है उसको दिलवा दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने चिट्ठी लिखी सरकार को, एफआईआर रजिस्टर किया कि अडानी कंपनी ने कोयले के इंपोर्ट में 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की ओवर इन्वॉइसिंग करी है, उसका इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कर रहा है। कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका पूरा एविडेंस था।
उनको पकड़ने की कोई कोशिश नहीं करी जाती, उल्टा मोदी जी अडानी को अपने हवाई जहाज में ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, स्टेट बैंक के चेयरमैन को अपने उसी हवाई जहाज में ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, और अभी सुरेश मेहता जी ने मुंद्रा पोर्ट के बारे में बताया कि अडानी ने कैसे हजम कर लिया मुंद्रा पोर्ट। वहां ऑस्ट्रेलिया में अडानी एक दूसरा पोर्ट बना रहा था जिसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कई बैंकों से लोन मांगा, सारे बैंकों ने मना कर दिया ये कह के कि भाई ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, आपका ये नहीं चल पाएगा, आपको हम लोन नहीं दे सकते। लेकिन मोदी जी अडानी को अपने हवाई जहाज में स्टेट बैंक चेयरमैन के साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं और वहां बैठा के स्टेट बैंक चेयरमैन से कहते हैं कि इसको लोन दे दो और हमारा आपका पैसा 6,500 करोड़ का लोन का अग्रीमेंट स्टेट बैंक अडानी से साइन कर देता है। और ये सब करने के बाद, काले धन पर कुछ ना करने के बाद, 2.5 साल बाद नोट बैन का जुमला लाकर ये कहा जाता है, ये दावा किया जाता है कि सरकार ने काले धन पर और भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार कर दिया। आप लोग सब जानते हैं कि इससे क्या हुआ है, आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई है, सरकार के पास नोट नहीं है देने के लिए, आम आदमी अपना पैसा बैंक से निकाल नहीं पा रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, जो लोग मर जाते हैं उनके क्रियाकर्म के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, ये हालात पूरे देश में बना दिए हैं। और बड़े बड़े पूंजीपति जिनके बारे में पूरी सूचना थी, पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बगैर उनका एक कभी चेहरा बन जाते हैं, 30,000 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट उनको दे देते हैं या फिर उनको जाकर स्टेट बैंक से लोन दिलवा देते हैं। दूसरा दावा यह किया गया कि भ्रष्टाचार के ऊपर यह बहुत बड़ा हमला है। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, देखिए यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी संस्थान देश में बने हैं, जो कानून बने हैं, उनको उस तरह से खत्म करने का काम नहीं किया जो आज मोदी सरकार कर रही है। एक के बाद एक सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संस्थान बने हुए भी हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। लोकपाल का आज तक गठन नहीं किया गया, 3 साल निकल गए, आज तक गठन नहीं किया गया, और सिर्फ मोदी जी के कारण वो कहते हैं कि मैंने गुजरात में 12 साल तक लोकायुक्त बनने नहीं दिया, मैं यहां पर किसी हालत में लोकपाल नहीं बनने दूंगा, वो ये कहते हैं। दूसरा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 1 साल तक उसमें 3 में से 2 वैकेंसी खाली रखी गई। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फटकार जब उनको लगी तो उन्होंने 2 आदमियों की नियुक्ति करी, लेकिन दोनों भ्रष्ट, जिनका हमने अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। एक के खिलाफ तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने खुद बोला था कि उन्होंने अपने ही, जब वो बैंक के चेयरमैन थे, तो अपने ही सबॉर्डिनेट का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फैब्रिकेट करी थी, यानी कि उसको फोर्ज किया था। ऐसे आदमी को विजिलेंस कमिश्नर बना दिया, दूसरे आदमी को बनाया क्योंकि अक्टूबर 2013 में एक रेड बिरला की कंपनियों के यहां करी गई। उस रेड में बहुत सारे दस्तावेज बरामद हुए, उन दस्तावेजों में से बहुत सारे दस्तावेज ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि बिरला कंपनी के पास हर रोज 2-4 दिन में हवाला के जरिए करोड़ों रुपया आता था, और वो रुपया बड़े बड़े अफसरों को, बिरला कंपनी के जो ग्रुप प्रेसिडेंट हैं उनके कहने पर
पांच अफसर जाकर बांटते थे, और उसमें एक दस्तावेज ये भी निकला जिसमें लिखा था गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 पेड रेस्ट ? यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ 12 तो हमने दे दिए, बाकी कब दिए जाएंगे ये देखने की बात है। अब ऐसे दस्तावेज बरामद होते हैं अक्टूबर 2013 में, लेकिन इनकम टैक्स तो उसकी जांच फिर भी करता है, लेकिन ये दस्तावेज जो दिखा रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े बड़े अफसरों को घूस दी गई है, उन दस्तावेजों को सीबीआई के पास नहीं भेजा गया कि उसकी जांच हो सके। दूसरी रेड सहारा के ऊपर होती है 22 नवंबर 2014। उस रेड में भी बहुत सारे दस्तावेज पकड़े जाते हैं। उन दस्तावेजों में एक दस्तावेज तो ऐसा है या कई दस्तावेज ऐसे हैं जिसमें पूरा ब्यौरा दिया है कि किस दिन कितना रुपया कैश में यानी कि नोटों में सहारा कंपनी के पास कहां से आया, और वो पैसा किस दिन किस जने को किस जने के जरिए किस जने के हाथ में और कहां पर दिया गया। और उसमें सबसे ज्यादा पैसा 40 करोड़ रुपया 9 दिनों में 5-5 करोड़ और 2 दिन में 2.5-2.5 करोड़, 40 करोड़ रुपया लिखा है मोदी जी को दिया गया अहमदाबाद में। दूसरे दस्तावेज में गुजरात सीएम लिखा है, इस दस्तावेज में मोदी जी, उसको भी दबा दिया जाता है। और उसको दबाने में जिस अधिकारी का हाथ था उस अधिकारी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना दिया जाता है, जिसका अपॉइंटमेंट हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ। सीबीआई वैसे तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सरकार के हाथ में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कानून बनाना पड़ा कि सीबीआई का जो डायरेक्टर होगा उसका 2 साल का टेन्योर होगा, उससे पहले सरकार उसको हटा नहीं सकती जिससे वो स्वतंत्र रह सके, और उसके चयन के लिए 3 आदमियों की समिति होगी जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। पिछला डायरेक्टर 2 दिसंबर को रिटायर हुआ, सरकार को पता था कि उसको 2 दिसंबर को रिटायर होना है, उससे कई महीने पहले चयन समिति की मीटिंग करा के नए डायरेक्टर का चयन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मीटिंग ही नहीं कराई गई। और जो सीनियर मोस्ट अफसर था सीबीआई में, एक आर के दत्ता स्पेशल डायरेक्टर, उसको रातों रात 2 दिसंबर के 2 दिन पहले रातों रात आदेश कर दिया गया कि उसका तबादला सीबीआई में, उसका टेन्योर खत्म करके उसका तबादला होम मिनिस्ट्री में एक नई पोस्ट क्रिएट करके वहां कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक अफसर गुजरात से, मेहता जी ने आपको बताया कि अब तो हिंदुस्तान की सरकार पर गुजरात के ही अफसरों का राज है, गुजरात से एक पुलिस अफसर अस्थाना, उसको लाया जाता है 2 साल पहले सीबीआई में मोदी जी के द्वारा, और उसको एक्टिंग डायरेक्टर सीबीआई का बना दिया जाता है, जबकि वो डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, योग्य ही नहीं है, उसने एंटी करप्शन का काम किया नहीं है, जबकि दत्ता जी ने पिछले 18 साल से सिर्फ करप्शन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस का काम किया था जिनको हटा दिया गया। विसिल ब्लोअर का एक कानून बना, कानून 4 साल पहले बन गया, आज तक उसको नोटिफाई नहीं किया गया है। आज इतने सारे विसल ब्लोअर्स को हमने ऑनर किया है जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया। उसी का एक कानून बनाया गया, जैसे लोकपाल का कानून पास हुआ पार्लियामेंट से 2011 में, अंजलि 2011 का है कब का है, अच्छा 2014 में पास हुआ, लेकिन आज तक उसको नोटिफाई नहीं किया। और आज ये सरकार ये कह रही है
कि नोटिफाई करने से पहले हम उसमें तबादला करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे और उसमें ये ले आएंगे कि अब विसल ब्लोअर सिर्फ उसी को हम मानेंगे जो ऐसी सूचना दे जो हम और आप आम आदमी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू निकाल सके। यानी कि विसल ब्लोअर कोई ऐसी सूचना देता है जो ऐसी गंभीर है जो हम और आप सूचना के अधिकार के तहत नहीं निकाल सकते, तो उस आदमी को विसल ब्लोअर नहीं माना जाएगा, उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के वायलेशन का मुकदमा चलाया जाएगा। और आज तो न्यायपालिका भी अटैक में है। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति नहीं करी जा रही, न्यायपालिका में बार बार न्यायपालिका के ऊपर सरकार अटैक कर रही है, कह रही है कि न्यायपालिका ऐसे काम कर रही है जो सरकार के कामकाज पर इंटरफेरेंस है। आज पुराने जो चीफ जस्टिस हैं उनका रिटायरमेंट 2 जनवरी को हो रहा है, सबको पता है कि 2 जनवरी को हो रहा है। कन्वेंशन ये कहता है कि भाई जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस, जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। थ्रू आउट ये होता रहा है, इतिहास में 2 बार बस जजों को सुपरसीड किया गया है और दोनों बार इमरजेंसी में मिसेस गांधी ने किया। लेकिन आज कुछ कुल 15 दिन रह गए हैं, 15 दिन भी नहीं रह गए नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए। पुराने चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस खेर, उनका नाम रिकमेंड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक मोदी जी ने उस पर दस्तखत नहीं किए और इस तरह के रूमर्स फ्लोट किए जा रहे हैं कि भाई हम सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड कर देंगे। आज आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि 2 सीनियर आर्मी के जनरल्स को सुपरसीड करके एक तीसरे आदमी को आज आर्मी चीफ नियुक्त कर दिया गया, उसकी घोषणा कर दी गई है कि उसको आर्मी चीफ बनाया जाएगा। ये क्यों हो रहा है? एक एक करके आप सारी संस्थाओं को, जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको ध्वस्त करते जा रहे हैं, उनका मोराल खत्म करते जा रहे हैं। क्यों? बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं भी ये सोचता हूं कि जिस तरह से नोटबंदी का फैसला किया, इतनी हड़बड़ी में किया, किसी को कंसल्ट नहीं किया, ये भी नहीं देखा कि भाई ये अगर आप 86% नोट को खत्म कर देंगे और आपके पास उस नोट को रिप्लेस करने के लिए नए नोट नहीं है और आपकी प्रिंटिंग प्रेस इतनी तेजी से प्रिंट नहीं कर सकती, तो लोगों के पास पैसा कहां से आएगा? इस देश में आधे लोगों का तो बैंक का खाता भी नहीं है, उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो क्या करेंगे? कुछ सोचा नहीं गया, किसी को कंसल्ट नहीं किया गया, हड़बड़ी में नोटबंदी का फैसला और एक जुमला बना दिया कि भाई हम भ्रष्टाचार और काले धन पर बड़ा वार कर रहे हैं। क्या काला धन निकला? रिजर्व बैंक ये कह चुका है कि 14 लाख करोड़ में से 13 लाख करोड़ से ज्यादा तो वापस आ चुके हैं पुराने नोट, और अभी 12 दिन और बाकी हैं। लगता है कि सारे नोट वापस आ जाएंगे, कोई काला धन नहीं निकलेगा, क्योंकि जिनके पास काला धन था उन्होंने तो पार्टिसिपेटरी नोट्स खरीद लिए, उन्होंने विदेशी बैंकों में अपने खाते खोल लिए, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, उन्होंने FDI कर लिया और उसको सफेद कर लिया, और जिनके पास कैश में भी था काला धन उन्होंने भी नए नए तरीके ढूंढ लिए उसको सफेद करने के लिए। और सबसे नया तरीका तो सरकार ने ही बता दिया, वो कहते हैं कि भाई तुम पॉलिटिकल पार्टियों को दे दो और उनके जरिए सफेद करा लो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां पुराने नोट कितने भी अपने खाते में जमा कर सकती। तो आपने जहां सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत थी वहां तो कुछ किया नहीं। एक जुमले के नाते आप कहते हैं आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया इसके नाम पर। क्यों ऐसा किया? मुझे तो कई बार ये लगता है
ये मोदी जी को पता था कि बिहारा बिरला और सहारा की डायरी जो बरामद हुई, इसका केस, इसका मुकदमा आने वाला है, इसका खुलासा होने वाला है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उसमें मोदी जी का ही सबसे बड़ा नाम था, सबसे ज्यादा काले धन, काला धन उन्हीं को दिया गया था सहारा और बिरला के द्वारा, उससे ध्यान भटकाने के लिए एकदम से एक नया जुमला चलाया और सोचा कि भाई इससे देश का ध्यान भटक जाएगा। और आज मुझे तो ये डर लग रहा है जिस तरह से ये इन्होंने आर्मी के चीफ को सुपरसीड किया है, दो सीनियर ऑफिसर्स को, जो कि पिछले 23 साल के बाद पहली बार हो रहा है कि सीनियर मोस्ट आर्मी अफसर को आर्मी चीफ नहीं बनाया जा रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद और भी कोई गंभीर कांड करने की तैयारी है। खुदा ना खास्ता मोदी जी के मन में अगर ये हो कि भाई अब नोट बैन तो फेल हो गया, ये जुमला फेल हो गया, इससे तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, नाराज हो गए हैं, तो अब एक नया कुछ खेल खेलो, और खुदा ना खास्ता वो खेल कहीं ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान से युद्ध कराने का, और उसकी वजह से उनको एक ऐसे आर्मी चीफ की जरूरत थी जो उनकी बात माने। ये बहुत गंभीर मामला है जिसके बारे में पूरे देश को सोचना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, अब वो समय फिर से आ गया है कि हमको फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, काले धन के खिलाफ जनता को हल्ला बोलना पड़ेगा और भ्रष्टाचार का भंडा जनता को फोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हमको फिर से जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा, और एक उससे भी बड़ा आंदोलन जो जन लोकपाल का आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा करना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आज कितने लोग आए हैं यहाँ पर, पूरे देश से आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन जरूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।